Welcome again on my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all guys are doing well. If you're new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे. तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई ऑयल ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. आज मैंने अपनी स्किन पे कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है. मैं बिल्कुल नेचुरल ही ये वीडियो शूट करने वाली हूँ जो कि आप मेरी स्किन को क्लियरली देख सकें कि मेरी स्किन कैसी दिखती है. और आप देख सकते हैं कि मैंने कोई मॉइस्चराइज़र कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है. ये मेरी नेचुरल स्किन है. तो आज मैं आपको एक ऐसा विटामिन ई ऑयल ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ जो आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर करेगा, आपके एक्ने, पिंपल्स आने से रोकेगा, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो लाएगा. तो आज ये स्किन ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है आपके लिए. आपको कोई भी केमिस्ट शॉप पे ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे. आप इजीली इस विटामिन ई ऑयल को घर पे कर सकते हैं और आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. बहुत सारी वर्किंग वूमेन होती हैं जो घर पे नहीं रहती हैं, बाहर हॉस्टल में रहती हैं या फिर कहीं पीजी में रहती हैं, तो उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, वो बाहर ही जंक फूड खा लेती हैं. आपके स्किन में, आपके बॉडी में कोई भी विटामिन मिनरल्स नहीं जा पाते हैं. तो ये विटामिन ई ऑयल आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. बट आज हम सिर्फ स्किन की बात करेंगे, आपकी स्किन को कैसे रिपेयर करना है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो चुकी है तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स. तो ये विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स इवियॉन 400 आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी केमिस्ट शॉप पे. ये बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल. उसके बाद हमें यूज़ करना है रोज़ वाटर. तो अगर आपके पास कोई अच्छा टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर आपके लिए बेस्ट टोनर का काम करेगा. तो इस विटामिन ई ऑयल ट्रीटमेंट के लिए मैं इस टोनर का भी यूज़ करूँगी, रोज़ वाटर. ये भी आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा ईजिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. तो इस ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले एक हैंकी लेंगे या फिर कोई भी आप नॉर्मल कॉटन का टॉवल ले लीजिए. तो आप, मैं ये ले रही हूँ वॉर्म वाटर. आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, बस आपको हल्का सा वॉर्म वाटर लेना है. तो अब इसमें हम इस हैंकी को इसमें डालेंगे, इस टॉवल को. उसके बाद हमें इससे स्टीम लेना है बिल्कुल. इससे आपको आपकी स्किन को क्लीन करना है जिससे आपकी सारी डस्ट निकल जाएगा. कोई भी डस्ट आपकी स्किन पे है या फिर कोई भी जर्म्स हैं तो ये उससे निकल जाएंगे. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए. आपकी स्किन से सारे डर्ट निकाल के उसे बहुत ज़्यादा क्लीन लुक देगा, आपके पोर्स को ओपन कर देगा ताकि आप जो भी ट्रीटमेंट करें वो अंदर आपकी डीपली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए. तो आपको इस तरीके से क्लीन करना है आपकी स्किन को. तो मेरी स्किन अभी क्लीन हो चुकी है. इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना विटामिन ई ऑयल कैप्सूल. मैं ये विटामिन ई ऑयल कैप्सूल ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा कट करना है मुझे. तो इसको कट करने के बाद हम इसको ऑयल निकाल लेंगे. तो अब इस ऑयल को हम पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे. अपने नेक एरिया में भी अप्लाई करेंगे. तो अभी ये पूरा विटामिन ई ऑयल मेरे फेस पर अप्लाई हो चुका है. ये फेस पे अब्सॉर्ब नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता है. हम इसे कुछ देर तक अपनी स्किन में रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह से हमारी स्किन में डीपली अब्सॉर्ब हो जाए. तो ये हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, हमारे आकनी पिंपल्स को आने से रोकेगा, उनमें अगर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं आपकी स्किन पे तो ये उनको भी क्योर करेगा, उनको भी ख़त्म करेगा. और उसमें अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फाइन लाइन, रिंकल्स, आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो ये उनको भी दूर करेगा. और ये आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो लाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए. तो हम इस तरीके से कुछ इसको 15 मिनट तक छोड़ देंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है. आप कुछ देर तक इसको मास्क की तरह अपनी फेस पर लगा के रखें, 10 से 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें. 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं क्लीन टॉवल से थोड़ा सा वॉश करके टॉवल को इसको अपने फेस से ये ऑयल को निकाल दूँगी.
तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन अभी कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ग्लोइंग हो गई है। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसने वर्क किया है। आपको फर्स्ट यूज़ से ही इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार इस ट्रीटमेंट को करें जिससे आपको अच्छा सा रिज़ल्ट मिले। तो अभी आप खुद देख सकते हैं लाइव रिज़ल्ट आपके सामने है कि मेरी स्किन अभी कितनी ज़्यादा मैट फिनिश हो गई, कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो कि मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये रोज़ टोनर। तो आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा इसको रब नहीं करना है, हल्का सा पैट करके आप इसको पूरा अपने फेस पर अप्लाई कर लें। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग आप फील करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। तो लास्टली हम एक सीरम की तरह इस विटामिन ई ऑयल कैप्सूल को लगाएंगे। जब आपकी स्किन में ये टोनर अब्जॉर्ब हो जाए कम्प्लीटली, उसके बाद आपको थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल का थोड़ा सा ऑयल लेना है और अपनी पूरे फेस पे उसको लगा के आपको आराम से सो जाना है। और मॉर्निंग तक आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग ग्लोइंग हो जाएगी, जो कि आप फर्स्ट यूज़ से ही इसको देख पाएंगे। तो मेरी स्किन में अभी टोनर अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद मैं ये विटामिन ई ऑयल थोड़ा सा इसको लूँगी और अपने पूरे फेस पे इसको मुझे अप्लाई करना है। टोनर क्या करता है, हमारे पोर्स को बंद कर देता है। उसके बाद हम इसको एक सीरम की तरह यूज़ करेंगे इस ऑयल को। आपको बहुत ज़्यादा इस बार नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा इसको एक सीरम की तरह लगाना है आपकी स्किन पे। उसके बाद ये आपके स्किन में एक नाइट क्रीम की तरह वर्क करेगा। तो आपको पूरे फेस पे और नेक एरिया में इसको अप्लाई करना है। तो ये ऑयल अभी मेरे फेस पे पूरा लग चुका है, ये एक सीरम की तरह काम करेगा। इसके बाद हमें इसे वॉश नहीं करना है, आपको बस इसको अप्लाई करके अब सो जाना है। उसके बाद सुबह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी और आपकी दाग धब्बे भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी दूर होने लगेंगी। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होगा, आपको इसे हर हफ्ते 2 बार करना है, जिसकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इसको देखा। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, सबके साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहें। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।